तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई शाम के बज चुके 6, भाई आपका फ्रेश हो चुका है नहा धो के फिर से, और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आगे की ओर, क्योंकि आज करूँगा मैं पक्की रात को ट्रैवलिंग, क्योंकि आज मैं पक्का रात को ही निकलने वाला हूँ। दो दिन में भाई लेट हो चुका हूँ, भाई जाने नहीं दिया भाई ने, और रात को लेट सो रहे हैं, सुबह फिर वही रूटीन ख़राब हो रही है, तो नींद भी पूरी नहीं आ रही। मैं पूरा दिन सोया रहा हूँ बिना कुछ खाए, सुबह से सोया हूँ, शाम के 6 बज के कुछ खाया नहीं है, बिल्कुल पानी तक नहीं पिया है, सोया था, अभी नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और निकल रहा हूँ। और ऐसा कुछ व्यू है, लास्ट बार देख सकते हो आप, जयपुर में बहुत अच्छा मौसम हो चुका है शाम के टाइम, क्योंकि दिन में यहाँ पर गर्मी होती है। तो एनीवे निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर, मंजिल बहुत लंबी है अपनी। तो रूम मैंने बंद कर दिया नीरज का, अभी जाते हुए मिल लूँगा उसको, क्योंकि 20 मिनट बचे हैं, तो 20 मिनट के बाद वो मुझे मिल लेगा। तो भाई रूम से निकलते ही मैं गया पहले तो भाई को ऑफिस से लेके आया हूँ। और भाई हो कैसे हो? बढ़िया दोनों भाई? बढ़िया। भाई हरियाणा से, कहाँ से? सोनीपत। पानीपत। सोनीपत पानीपत एक ही बात हो गई है ना, घर ही है मतलब दोनों साइड। और नीरज भाई और दोनों एक ही साथ जॉब करते हैं। अभी हम कहाँ आए? ढाबा है यहाँ पे, कुछ खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। और अभी ये रही सामने मार्केट, कौन सी मार्केट है नीरज? ये 9 नंबर। 9 नंबर। चलो कुछ खा पी लेते हैं, फिर मैं भी निकल रहा हूँ यार, है ना। तो लो जी आ चुके हैं, हमारी रोटी चना मसाला और दाल मखनी एंड सैलेड। भाई दोस्तों सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर चलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई टाइम हो चुका है भाई को गुड बाय कहने का, ठीक है नीरज भाई? ठीक है भैया, चल मेरे साथ घूमने आगे। कोई नहीं, अभी जॉब पे जाना है। जॉब करनी है? कर ही रहे हैं। बहुत बढ़िया ना, ध्यान रखियो अपना, मैं निकल रहा हूँ फिर, है ना, मिलते हैं जल्दी, बाय। ठीक है ब्रो, आराम से अपना रेस्ट कर और इंटरव्यू की तैयारी कर, है ना, नेक्स्ट। ठीक है ना, मैं पहुंच के कॉल करूंगा। कोई नहीं, ठीक है भाई, ओके बाय बाय। तो नीरज को गुड बाय बोल दिया है, चलता हूँ भाई मैं अपनी मंजिल की ओर आगे। जयपुर से निकलने के बाद आ गया है मेरा पहला टोल, और यहाँ से अभी जोधपुर का रास्ता लेफ्ट हो जाएगा और अजमेर का रास्ता राइट हो जाएगा, एंड हमें जाना है अजमेर वाले रास्ते से। तो जी पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूँ, तेल थोड़ा सा कम हुआ, टैंक फिल करवा लेता हूँ फिर से। इसके बाद भाई अहमदाबाद ही रुकेंगे फिर सीधा, यहाँ से अहमदाबाद का डिस्टेंस बच गया 650 किलोमीटर। भाई साहब फुल करो टैंक डीजल। तो अभी हमारी गाड़ी में आया है भाई 3700 का डीजल, पिछली बार भी 40 लीटर आया था और अब भी 40 लीटर आया है। तो लो जी टैंक हो गया फिल, तो निकलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। बट टैंक फिल तो हुआ है, बट ये दिखा तो रहा नहीं फिल हुआ है। अच्छा जी ऐसा भी होता है, चलो एनीवे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फुल हो गया वैसे। तो भाई जयपुर जिला खत्म होते ही यार अजमेर वाली साइड अभी हम एंट्री हुए हैं, भाई एक घंटा हो गया कम से कम यार, इतने गंदे जाम में फंस गया हूँ ना, चारों साइड ट्रक ही ट्रक है, आगे पीछे ट्रक्स ही ट्रक्स, खत्म ही नहीं हो रहे यार, 20 किलोमीटर हो गए कम से कम। दोस्तों रात के बज चुके 1 और मैं अभी अजमेर से एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ा हूँ जो डायरेक्ट मुंबई जा रहा है ना, और ये कुछ ऐसा एक्सप्रेस है।
घंटा चला के फिर रुकते हैं कहीं आके ढाबे डूबे पे। दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 2:30 और भाई यहाँ पे ट्रक देखो कितने ज्यादा चारों तरफ लगे हुए हैं। गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी है और ये सामने होटल राज इन फुली वेज। अभी यहाँ पे कुछ भूख लगी है, कुछ खा पी लेते हैं, नींद भी आ रही है, देखते हैं इसके बाद के क्या प्लान्स होते हैं, कुछ खा लेते हैं यार। ये रहा होटल राज। यहाँ पे लिए पोहे, पोहे खा रहे हैं यहाँ पे ताजे ताजे, 15-20 रुपए की प्लेट है, सिर्फ 2-3 प्लेटें खाएंगे बढ़िया वाली। तो दोस्तों सुबह के हो चुके हैं, 4 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी उदयपुर से 140 किलोमीटर पीछे। यहाँ पे ये होटल है एक और काफी ज्यादा ट्रक्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे सामने। और ये सामने कोई होटल है, पता नहीं कौन सा होटल है, और मैं यहीं पे सो रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखें दर्द कर रही है और थक भी गया हूँ, काफी ज्यादा गाड़ी चला ली है। तो ठीक है, मिलते हैं बाकी आपको सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह के 7:30 हो गए और मैं फिर से उठ चुका हूँ और भाई आंखें नहीं खुल रही, सही बताऊँ 2 घंटे सोया हूँ और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ सुबह सुबह। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिया, तो खैर निकलते हैं यहाँ से आगे। राजस्थान के पहाड़ शुरू हो चुके हैं, अभी मैं उदयपुर में हूँ, उदयपुर जस्ट क्रॉस करा है मैंने और घाट सेक्शन आ चुका है, आगे पहाड़ी पहाड़ आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ से अभी 750 किलोमीटर मुंबई का डिस्टेंस है और 250 किलोमीटर अहमदाबाद का डिस्टेंस है, तो वही मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। तो फिलहाल अहमदाबाद पहुँचने में मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे आराम से लग जाएंगे, मैं आराम से चलाऊँ। पहुंचते हैं भाई अहमदाबाद। तो लो जी उदयपुर के पहाड़ बहुत ही सुंदर है भाई, कल डाला था 4000 का, 3700 का रात को और अभी 2000 का और डाल रहा हूँ। यहाँ पे है 94.93 डीजल। तो भाई तेल मैंने फिर से डाल दिया 2000 रुपए का, आधा टैंक हो चुका है मेरा, आधा टैंक मींस के 350 किलोमीटर चलती है। अब मुझे जाना है 200 किलोमीटर और, फिलहाल तो मैं यहाँ फ्रेश होने वाला हूँ, होटल वाले भाई साहब को, सॉरी पेट्रोल पंप वाले भाई साहब को मैंने पूछा, उन्होंने बोला भैया है टॉयलेट वगैरह, फ्रेश हो सकते हो, ब्रश व्रश करूँगा फिर निकलूँगा आगे।
ये एरिया अभी राजस्थान में और ये सामने आ गए जी गुजरात का बॉर्डर। अभी सेम बैरियर ऐसा मैंने पीछे भी क्रॉस करा है और आगे भी ऐसा बैरियर है। सिंगल सिंगल गाड़ी निकल रही है यहाँ से, आप देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ लिखा है गुजरात पुलिस। ट्रैफिक ब्रांच अभी मीन्स के मैं गुजरात में इंटर कर चुका हूँ। तो भाई गुजरात पुलिस ने भाई पहले तो मेरे को रोक लिया, फिर उन्होंने पूछा भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया। फिर मैंने बताया भाई साहब मैं हूँ J&K का और कभी कभी वीडियो वगैरह बना लेता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे को रोका, गाड़ी की चेकिंग थोड़ी बहुत करी, फिर मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ रह चुका हूँ पहले गुजरात महाराष्ट्र में, थोड़ी मेरी उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने मेरे को पानी ऑफर किया। ऑफिसर इतने अच्छे थे, इतनी प्यार से बात करी है ना मेरे से, मतलब मेरा चैनल तक सब्सक्राइब किया यार। वो सर थे ना जो सबको बोला ये चैनल सब्सक्राइब करो, लड़का अकेला घूम रहा है। भाई भाई बहुत अच्छा लगा गुजरात में एंट्री करते हुए, माँ कसम दिल खुश हो गया। और चलते हैं, अभी गुजरात में एंट्री कर चुके हैं हम। ऐसा कुछ नजारा है यहाँ का, तो लो जी पूरा राजस्थान गुजरात में पहुंचते ही। यहाँ से अहमदाबाद को ये रोड जा रहा है, अहमदाबाद यहाँ से बच गया है सिर्फ 40 किलोमीटर, बट मैं जाऊंगा इस ब्रिज के नीचे से क्योंकि मेरी जो लोकेशन है वो इस ब्रिज के नीचे से जा रही है नेविगेशन पे। तो अभी जस्ट दो पानी की बोतल मैंने ली है, तो भाई ठंडा पानी पीते हैं गुजरात में आके। ये वाला पानी बोतल यहाँ 10 रुपये में मिल रहा है, तो दो पानी की बोतल ली है तो पानी पी लेते। ओ शिट गिरी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, नहाया भी नहीं हूँ, तो मन भी नहीं कर रहा। मैं बोला वहाँ पहुँच के ही नहाऊँगा, तो चलता हूँ आगे। लो जी यहाँ पे एग्जिट बता रही है मेरी लोकेशन, अभी यहाँ से कहीं राइट जाना है मेरे को। भाई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है शुरू। Crash reported ahead on Gandhinagar bypass in 400 meters. तो ठीक है दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं अहमदाबाद। शाम को पहुंच गया था, आके सो गया था, थोड़ी नींद पूरी करी है क्योंकि बहुत थक चुका हूं, 2-3 दिन से मैं सोया नहीं हूं ढंग से। तो ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी था, मिलते हैं कल आपको फ्रेश ब्लॉग के साथ, घूमते हैं अहमदाबाद आपके साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।